सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन का घोल। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून हम उसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो स्वादानुसार। अब हम उसमें नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम उसमें अजवाइन ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और पिंच ऑफ हम उसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि हमारे वड़क का कलर अच्छा आए। अब हमें यहाँ पर इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो इस तरह से हम उसे मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, पानी को हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पर बैटर तैयार करना है। पानी डालते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है। अगर एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो बैटर में लम्स पड़ जाएंगे और फिर हमारा बैटर है वो स्मूथ नहीं बनेगा। पानी डाल देने के बाद हमें उसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक है, हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। अब मैं उसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करूंगी, यहाँ पर मैंने ऑयल रूम टेम्परेचर वाला ही लिया है और अब मैं उसे 3 से 4 मिनट के लिए विस्कर की मदद से हम उसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर बैटर हमारा अब रेडी हो चुका है और अब हम इस बैटर को ढक देंगे और उसे हम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें स्टफिंग के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी 7 से 8 कलियां लहसुन की, 1 इंच में उसमें अदरक का टुकड़ा ऐड करूंगी, 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। अगर आप तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हो तो आप उसमें थोड़ी सी ज्यादा मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब ढक्कन को हम बंद कर देंगे और उसे हम दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, अगर आप चाहो तो इसे कूट के भी ले सकते हो। अब हम उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम वड़े के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हम उसमें राई ऐड करेंगे, पिंच ऑफ हम उसमें हींग ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉप किए हुए करी पत्ते लिए हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और फिर हमने जो लहसुन और अदरक की पेस्ट बनाकर रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हमें उसे पका लेना है। यहाँ पर हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस हम चाहते हैं कि अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। मीडियम गैस की फ्लेम पर हम उसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार हम उसमें नमक ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू, इसे मैंने बॉईल करके लिया है और इसे मैंने हाथों से रफली क्रश करके लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पर आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए हम उसे पका लेंगे। यहाँ पर पहले मैंने आलू को उबाल लिया था, फिर मैंने उसे किचन काउंटर पर ही ठंडे होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट उबाल कर गरम आलू नहीं यूज करने हैं, पहले हमें उसे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसे भी हम अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमारा वड़ा का स्टफिंग बनकर अब रेडी है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम इस तरह से फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। 20 मिनट हो जाने के बाद अब हम उसे चेक कर लेंगे, तो हमारा स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम उसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से नींबू के साइज जितना हम उसका बोल बना लेंगे।
तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे बोल्स बना लिए हैं। आधा घंटा हो चुका है और अब हमने जो बेसन का घोल बनाकर रेडी किया था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो एक बार हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम वड़े को फ्राई कर लेंगे, तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हमने जो बॉल्स बनाकर रखे थे वो हम बैटर में ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से हमें इसे अच्छे से कोट कर लेना है। वड़ा अच्छे से कोट हो जाने के बाद चम्मच की मदद से इस तरह से उठा लेंगे और फिर हम तेल में उसे ड्रॉप कर देंगे। ऐसे करने से वड़े का परफेक्ट गोल शेप आएगा और तेल में एक्स्ट्रा बैटर भी नहीं जाएगा। अब इसी तरह से एक एक करके जितने वड़े कढ़ाई में आएंगे उतने वड़े को हम तेल में डाल देंगे। यहाँ पर वड़े अच्छे से फ्राई हो तब तक हमें उसे बीच बीच में अच्छे से हमें इसे चलाते रहना है ताकि सारे वड़ों में एक जैसा कलर आए। अब हमें यहाँ वड़ों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम उसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट गोल शेप उसका आया है। वड़े हमारे बिल्कुल भी चपटे नहीं बने हैं, आप देख सकते हो कि इसका कलर भी इवन आया है और इसकी कोटिंग भी स्मूथ है। और अब हम उसे एक प्लेट में निकाल देंगे। आप इस वड़े को चटनी के साथ या तो फिर चाय के साथ ले सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।